हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है माधुरी एंड आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया बेसन वाली ब्रेड की रेसिपी। इफ यू लाइक दिस रेसिपी, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। सो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। सो बेसन वाली ब्रेड बनाने के लिए मैं एक बोल में ले रही हूँ एक कप बेसन। फिर इस बेसन में मैं एक कप पानी मेजर करके ले रही हूँ एंड इसे मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी एंड एक सेमी थिक घोल तैयार करूंगी। जितने भी लम्स हैं बेसन में हमें वो निकालने हैं, तो इसे अच्छे से विस्क करिए। सो देखिए, बेसन का घोल जो है वो हमने रेडी कर लिया है, बिना किसी लम्स के है ये। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी है फिलहाल। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में भी हम इसमें पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ अ पिंच ऑफ हींग, नमक एज पर टेस्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच से कम मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, पिंच ऑफ हल्दी मैं डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ भुना जीरा पाउडर, थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च एंड 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। इन सभी मसालों को पहले हम बेसन में मिक्स कर लेते हैं एंड इसके बाद हम इसमें डालेंगे खूब सारी वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई कैप्सिकम, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च एंड खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। इन सभी वेजिटेबल्स को हम बेसन के घोल में जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें अपनी पसंद की भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसमें लगभग सारी ही वेजिटेबल्स डाल दी हैं। इसे हेल्दी बनाने के लिए इसे हमें थोड़ा सा पतला करना है, तो इसमें मैं जो हमारा 1 कप में बचा हुआ थोड़ा सा पानी है मैं इसमें धीरे धीरे करके वो ऐड करूँगी। इसमें अब जो है हमारी ब्रेड वो अच्छे से जो है डिप हो सकती है। ये कंसिस्टेंसी जो है वो हमें चाहिए। दिस इज सेमी थिक बैटर जो हमने बना लिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसे मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, इसे पैन में स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। पैन के गरम होते ही अब ये बैटर हम लेंगे, इसमें हम करेंगे इस तरीके से ब्रेड को डिप दोनों तरफ से एंड इसे हम पैन में डाल देंगे और ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा बैटर पोर करूंगी ताकि वो थोड़ा सा जो ब्रेड है वो हमारी अच्छे से बेसन के बैटर से जो है वो रेडी हो जाए। ये देखिए, ये हम एक तरफ से अभी पहले डाल रहे हैं बेसन। जब हम साइड फ्लिप करेंगे हम दोबारा ये बैटर जो है वो इस ब्रेड पे लगा देंगे। बहुत ही जल्दी ये बनने वाला नाश्ता है एंड एट द सेम टाइम ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं डाल के, नहीं तो आप गर्मा गर्म भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है ये नाश्ता। साइड फ्लिप कर लेते हैं हम। क्या बढ़िया कलर आ गया है। थोड़ा सा बैटर हम जो है अब इस तरफ भी लगा लेते हैं क्योंकि हमें ब्रेड और बेसन का जो है वो अच्छा फ्लेवर आना चाहिए। चारों तरफ से हम जो है बेसन के घोल से इसे कवर कर लेते हैं। धीमी आंच पे इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक जो है वो हमारा बेसन जो है पक जाए ब्रेड के साथ। अब इस साइड पे हम लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेंगे। इस तरीके से अच्छे से इसे दबाएंगे। सो देखिए गाइस, ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। चलिए पैन से हम इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा करेंगे पैन को ग्रीस। इस तरीके से ब्रेड को हम करेंगे अच्छे से इसके अंदर डिप एंड इसे हम डाल लेंगे पैन पे। इस पे हम लगा लेते हैं बेसन का जो मटेरियल है वो। अब इसे एक साइड से पकने देंगे एंड देन हम फ्लिप करेंगे। अब हम कर लेते हैं साइड को फ्लिप। तो पैन में चारों तरफ घुमा दीजिए ताकि जो एक्सेस ऑयल हमारा वेस्ट होएगा वो हमारा जो है ब्रेड ही सोक कर लेगी। अब
इस तरफ भी हम थोड़ा सा लगा लेते हैं बेसन का बैटर, ये देखिए, एंड साइड को कर देंगे फ्लिप। जो दूसरा हमारा ब्रेड है, बेसन वाली ब्रेड, वो भी जो है पक चुकी है। सो बेसन वाली ब्रेड का नाश्ता जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। अब गैस को कर देंगे बंद एंड चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। सो देखिए गाइस, हमारी बेसन वाली ब्रेड जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है। मैं इसे यहाँ पे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। सो गाइस, आप भी इस रेसिपी को डेफिनेटली ट्राई करिए एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर योर लव एंड सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।